हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। अब मेरा मेजरमेंट देखिए आप, मैं मुट्ठी से चावल नाप रही हूँ। 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं ये, और मैंने ये 9 मुट्ठी चावल लिए हैं। ये मैंने आपको ऐसे दिखाया कि मैंने इस तरीके से लेती हूँ। अब मैं इनको पाँच पानी में धोती हूँ। अब मैंने ये पानी इसमें डाल दिया। मैं आपको उसका देखो बताती हूँ मेजरमेंट मैंने कितना नाप लिया। ये देखिए, मैंने यहाँ तक, ये मेरा रोज का है स्टाइल, में इसको ऐसे ही लेती हूँ और मेरा परफेक्ट होता है अंदाज। तो अब मैं आपको बताऊँगी, तब तक चावल भीग रहे हैं। मैंने ये एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और 8-10 मैंने बीन्स ली हैं, और ये मैंने 3-4 पानी धो के न्यूट्रिला भिगा के ले ली है, और ये मैंने मटर लिए हैं, फ्रोजन मटर लिए हैं 1 कटोरा। अब मैं प्याज को देखो बताती हूँ आपको कैसे काटूँगी। इसको मैं प्याज को मोटा मोटा काटूँगी, जिससे प्याज को ब्राउन भून लूँगी इसको। फिर उसके बाद जो प्याज है आपका मतलब गलेगा नहीं कुकर में, एकदम से आपको दिखेगा कहीं कहीं पे, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरीके। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जो नई नई गृहस्थी जुड़ी है, काम करना नहीं आता है उनके। सिंपल तरीका, सिंपल से सिंपल तरीका लाती हूँ, घर भी संभालते हैं ऑफिस भी जाते हैं ये। और इसमें मैंने बिल्कुल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, इतने सिंपल तरीके से मैंने ये बिरयानी बनाई है और इतनी टेस्टी होती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। मैं हफ्ते में 2 बार तो इसको बना ही लेती हूँ। अब मैं इसमें, मैंने सरसों का तेल लिया है, तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, अब गैस ऑन कर देती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सिंपल से सिंपल रेसिपी लाऊं, जिससे बच्चों को, आजकल किसी को टाइम नहीं है तो उनका टाइम कम समय में अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया, ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, 8-10 काली मिर्च और लौंग, तेज़पत्ता। और ये, अब जब आप इसमें लौंग डालिए तो आप दूर हट जाइए, क्योंकि लौंग क्या होता है ना, फूटती है, देखिए फूट रही है, और ये अपने ऊपर भी आ सकती है, बहुत बुरी तरह जला देती है ये। तो जब आप लौंग डालते हो तो आप खड़े मसाले डालो तो आप दूर दूर हो जाइए थोड़ा, फिर प्याज डालने पे सही हो जाता है, फिर नहीं छटकते मसाले। अब इसको हम भून लेंगे। थोड़ा मैंने गैस की फ्लेम फुल करी है, और फिर थोड़ा सा जब भुनने लग जाते हैं उसके बाद मीडियम फ्लेम में रख दीजिए। ये देखिए, भून के ये रेडी हो गए। ये देखिए, इस तरीके से इसको भुनना है। देखो कितना मोटा मोटा प्याज दिख रहा है आपको, ये इसलिए मैंने करा है उसी वजह से कि कुकर में पकना है इसने, तो एकदम से प्याज आपको दिखेगा कहीं कहीं पे। अब मैंने ये सारे इसमें जो सब्जियां हैं डाल देती हूँ। बीन्स देख लीजिए आप, मैंने सब बड़े बड़े उसमें काटे हुए हैं। अब इन सब्जियों को मैं सबको 1 मिनट तक भून लूँगी, तब उसमें खुशबू आ जाती है सब्जी की पकने की, खूब बढ़िया सी मटर की। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक भी डालूँगी, जिससे सब्जियों के अंदर नमक चले जाएगा। ये देखिए, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, 1-2 मिनट मैंने भून लिया है सब्जी को, खूब बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं नॉर्मली सारे घर के मसाले डालूंगी। 1.5 चम्मच इसमें मैं हल्दी डालूंगी, थोड़ा उसको पीला अच्छा कलर आएगा। और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है, ये मैं सब्जी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ पड़ी हैं इसमें इतनी। रेड चिली पाउडर और धनिया भी डाला है मैंने, क्या कहते हैं इसको। अब सब तरीके से आप ऐसे भून लीजिए, बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मतलब आप घर के मसालों से भी सिंपल तरीके से भी अच्छा बना सकते हैं। अब ये जो भीगा हुआ पानी है चावल का, इसी पानी को मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल मत डालना, क्योंकि फिर वो आपका जो बिरयानी है बिल्कुल गीली गीली बन हो जाएगी फिर, नहीं तो। और ये देखना, मैं आपको दिखाऊँगी कितनी ड्राई ड्राई बनती है, खिला खिला चावल बनता है बिल्कुल, पर पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक इसको भी भून लेंगे चावल के साथ। ये देखिए इस तरीके से,
इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, तो मैं इसमें बिरयानी मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी खड़े मसाले पड़े होते हैं, तो फिर वो मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा मसाले, हर तरह के सारे मसाले डाल दोगे तो किसी भी एक मसाले का फ्लेवर नहीं आता है। तो कम से कम मसाले में हर एक चीज़ को आपको फ्लेवर अच्छा आएगा उसमें। ये देखिए, मैं वही पानी डाल रही हूँ जिसमें मैंने चावल मेरे भीगे हुए थे। ये देखिए, पूरा मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं गैस को फुल कर दूँगी, फ्लेम फुल में इसको उबाल लूँगी एक बार। अब इसमें मैं एक चम्मच मैंने सब्ज़ी में डाला था नमक, अब दो चम्मच मैं इसमें और डाल रही हूँ नमक। इतना इसमें पर्याप्त है, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। थोड़ा अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसमें आधा चम्मच और चल जाएगा। अब इसमें उबाल आ गया, मैं एक चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर, इतनी टेस्टी होती है। एक बार इसको आप इस तरीके से मेरे मेथड से आप इसको बना के देखिए, बहुत ही अच्छे। कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, कोई चीज़ अलग नहीं निकालनी है, प्याज अलग निकालो, ये करो, फिर दोबारा उसमें डालो, सब एक ही बार में सारी चीज़ें एक साथ बढ़िया बन जाए। देखो उबल गया है, फुल फ्लेम में मैंने उबाल दिया था और इसलिए उबाला है। अब मैं इन सबको ऊपर नीचे मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी, आप जैसे चावल इसको निकालोगे बिरयानी को, तो नीचे तक आपकी सब्ज़ियाँ मिलेंगी, इसमें अंदर तक चले जाएंगी सारी सब्ज़ियाँ। अब मैंने गैस की फ्लेम फिर लो कर दी, जब उबाल आता है तो उसको लो कर दीजिए, लो में इसको मिक्स करिए। अब गैस की फ्लेम फुल कर दीजिए। अब इसको एक सीटी में, एक सीटी आ गई देखिए इसमें, अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि देखो कैसे चावल इसमें कितना बढ़िया खिला खिला बना है। बस ये है कि एक्स्ट्रा पानी आप बिल्कुल मत डालना, जो भिगा हुआ चावल का पानी है उसी को डालना। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब मेरा बेटा स्कूल से आ गया है, अब इसके लिए सर्व कर रही हूँ खाना। ये देखिए उसको तो इतना बहुत अच्छा लगता है ऐसे ये। अब इसमें ऊपर से अब डालूँगी घी यहाँ।